1980 और 90 के दशक के अंत में कनाडा के वैनकूवर में महिलाओं के लापता होने की संख्या बढ़ने लगती है। लापता महिलाओं में से ज़्यादातर या तो यौन कर्मी थी, घर से भागी हुई थी, या नशीली दवाओं की लत और मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित थी। जबकि कुछ लोगों ने सोचा कि ये महिलाएं अपनी खतरनाक जीवन शैली के कारण गायब हो गई। सेक्स वर्कर समुदाय को पता था कि ज़्यादातर लापताएं महिलाएं वास्तव में एक सीरियल किलर की शिकार थी। इस समुदाय ने विभिन्न स्वयंसेवी समूहों के साथ मिलकर स्थानीय निवासियों और साथ ही यौन कर्मियों की रक्षा करने की पूरी कोशिश की, फिर भी कुछ भी काम नहीं आया और लापता महिलाओं की संख्या केवल बढ़ती गई। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी उस सीरियल किलर की जिसने 48 महिलाओं का बेरहमी से अपने पिग फार्म में कत्ल किया, उनके मांस को अपने सुअर को खिला दिया और फिर इस मलाल के साथ जुर्म कबूल किया कि दो और को वो मार देता तो पूरी 50 हत्याएँ हो जाती। हत्यारे ने यह भी माना कि उसे गम है कि वो 50 नहीं मार पाए। कहानी है कनाडा के सबसे बड़े सन की खूंखार सीरियल किलर रॉबर्ट पिक्टन की, जो द पिग फार्मर किलर के नाम से भी कुख्यात है। सीरियल किलर बनने के पहले की कहानी रॉबर्ट के लाइफ के बारे में ज़्यादा उपलब्ध नहीं। जो उपलब्ध है उसके मुताबिक जन 1949 में कनाडा के प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया में लेनार्ड पिक्टन के घर हुआ था। रॉबर्ट के दो भाई बहन थे, एक डेविड जो रॉबर्ट से उम्र में छोटा था और लिंडा जो उम्र में बड़ी थी। कहते हैं लिंडा ने उस पर बचपन में कई अत्याचार किए, जैसे कि खेतों में ज़्यादा काम करवाना, गंदे कपड़ों में ही स्कूल भेज देना जिस कारण स्कूल में दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते, स्टिंकी पिग्गी कह के बुलाते जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी होती। लेकिन लिंडा ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया और उल्टा रॉबर्ट से ज़्यादा काम करने को कहा कि वो ज़्यादा कमा सके। इनका अपना पिग फार्म का फैमिली बिजनेस था जो कि पुस्तैनी था। 1995 में तीनों ने अपनी पुस्तैनी जमीन का बंटवारा कर लिया और अपनी फार्म का ज़्यादातर हिस्सा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लीज पे दे दिया, जो वहाँ लाइव इवेंट ऑर्गेनाइज करने लगे। लाइव इवेंट में कई बार सोशल गैदरिंग होती, कोई एक्सपो लगता, कभी रेव पार्टी होती, बहुत लोग फार्म पे आया जाया करते थे। इससे दोनों भाइयों को पैसे भी आ रहे थे और मज़ा भी, सब सही चल रहा था। इसी दौरान रॉबर्ट ने अपना पहला गुनाह किया। 23 मार्च 1997 में उस पर वेंडी की हत्या के प्रयास का आरोप लगा। हुआ यूँ कि किसी कार्यक्रम के दौरान वेंडी उसके फार्म पे आई थी, दोनों साथ में नशा किए और इस दौरान उनमें किसी बात पे झड़प हो गई, जिस पर रॉबर्ट ने वेंडी पर चाकू से हमला कर दिया। कहते हैं कि इस हमले में दोनों को चोट आई। पुलिस ने दोनों का इलाज करवाया और ये सोच के कि दोनों नशे में थे, $2,000 के बॉन्ड पर दोनों को रिहा कर दिया। 1998 में केस भी खत्म कर दिया गया। 1998 में ही कैनेडियन सरकार की नज़र उस पर दोबारा पड़ी। उन्होंने नोटिस भेजा कि खेत की जमीन का ज़्यादातर हिस्सा कॉमर्शियल इवेंट करवाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मना था। उसे इसे तुरंत बंद करने को कहा गया, लेकिन रॉबर्ट ने नोटिस को अनदेखा किया और 1999 की न्यू ईयर पार्टी होस्ट करने के लिए प्लान बनाने लगा। जब कैनेडियन सरकार को इसका पता चला तो उन्होंने इस पर जुर्माना लगाया और आगे कभी भी ऐसा कोई इवेंट के हाल में जो भी उस पार्टी में हो उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को आदेश दे दिया, जिसके बाद फाइनली उसे ये सब बंद करना पड़ा। वो मानसिक तौर पर बीमार तो था ही और ये सब घटनाओं ने उसे और किक दे दी। 3 साल के दौरान पड़ोसियों ने नोटिस किया कि जो भी लड़की उसके फार्म पर जाती है वो वापस नहीं आती, गायब हो जाती। पड़ोसियों ने ये खबर पुलिस को दी। 6 फरवरी 2002 को पुलिस उसके घर की तलाशी लेने का फैसला करती है, लेकिन उनके पास कोई ठोस वजह नहीं होती इसको करने के, क्योंकि उनके पास ना कोई ऐसी कंप्लेन थी, ना कोई ऐसी खबर जिसमें गायब हुई लड़कियां उससे आखिरी बार मिली। पुलिस ने तरकीब लगाई और फार्म पे इलीगल आर्म्स होने की बात कही और उसके लिए सर्च नोटिस बनाकर वहां पहुंच गई। उनके सर्च के दौरान गायब हुई महिलाओं के कई सामान मिले, जिसके बाद दोनों भाइयों डेविड और रॉबर्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी भी पुख्ता सबूत नहीं था कि रॉबर्ट ने उन गायब महिलाओं की हत्या की है, क्योंकि लाश किसी की भी नहीं मिली थी। दोनों भाइयों पर वेपन ऑफेंस का चार्ज लगा के छोड़ दिया गया, लेकिन वैनकूवर पुलिस डिपार्टमेंट ने रॉबर्ट पर निगरानी रखना चालू कर दिया। 20 दिन के अंदर ही वैनकूवर पुलिस डिपार्टमेंट ने दोबारा रॉबर्ट को गिरफ्तार किया और उस पर सरीन और मोना की हत्या का आरोप लगाए। 2 अप्रैल को 3 और महिलाओं के चार्ज ऐड किए गए। फिर तो सिलसिला ही चल पड़ा। कुछ दिनों बाद 6ठा, फिर 7वां और 25 मई 2005 आते आते संख्या 27 तक पहुंच गई। ये कैनेडियन इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। उसके फार्म की खुदाई लगातार 2003 नवंबर से जारी थी और कहते हैं कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लगभग $70 मिलियन खर्च हुए थे। ये फार्म को कैनेडियन सरकार ने फेंसिंग कर दिया और वहाँ बने सारे मूल ढांचों को तोड़ दिया गया, क्योंकि पूरे फार्म को खोदने के बावजूद लाश कहीं नहीं मिली। तो फॉरेंसिक टीम ने यह माना कि हो सकता है या तो बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज हो गई या फिर रॉबर्ट ने बॉडी को सुअर को खाने के तौर पर खिला दिया। यहाँ तक कि कई इन्वेस्टिगेटर का कहना था कि हो सकता है कि पोक की मीट के साथ उसने ह्यूमन बॉडी को मिक्स करके बेच दिया। रॉबर्ट पे केस चला जिसमें उसने खुद को नॉट गिल्टी प्लीट किया
कनाडा के कानून के तहत जब तक केस चल रहा है उसकी किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया था और हाई कोर्ट की सज़ा को ही सही कहा। अब वो सज़ा क्या है ये कहना मुश्किल है, जो भी हो इतना तो तय था कि उसे सज़ा हो गई। वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें उन्होंने पीड़ितों के परिवार से माफ़ी मांगी, ये कहते हुए कि अगर वो उस दरिंदे को पहले पकड़ लेते तो शायद इतनी हत्याएं नहीं होती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस देखें। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।